नमस्कार, ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में मैं विमल कुमार तहीम आपका स्वागत करता हूं। आज मैंने एक प्लान दिया था, मेरा वीडियो नंबर 34 है, जो मेजर पी शिव कुमार मार्ग, यहां पर दाबड़ी पंखा रोड है, इस तरफ पंखा रोड है, ये C4E का हमारा रोड जाता है और थोड़ा सा आगे चलेगा तो यहाँ पर एक रोड और है जो C4H वगैरह में जाता है। खैर, तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो केंद्रीय विद्यालय मार्ग है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम C4E से जो ट्रैफिक आता है, C4E से जितना ट्रैफिक आता है और ये जो ट्रैफिक हमारा है इस ये वाला, तो ज्यादातर जो ट्रैफिक है वो C2 से, ये C2 है, C2 से सीधा ट्रैफिक का मूवमेंट है। ज्यादातर का मतलब आई वुड से 90% जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो स्ट्रेट है और 10% मूवमेंट जो है ट्रैफिक का वो यहां पर है। तो मैंने अपनी वीडियो में सजेस्ट किया था कि यहां पर इस लाइट को हम अगर हटा दें और ये 3 स्पीड ब्रेकर बना दें, 1, 2 और 3, तो ये हमारा ट्रैफिक चलता रहेगा। काफी दिनों से मैं नोट कर रहा हूं कि यहां की जो ट्रैफिक सिग्नल है उसको ऑफ कर दिया गया है। तो ऑफ करने से सुबह और शाम, या मैं कहूं कि सारा दिन ट्रैफिक फ्री फ्लो चलता रहता है। लेकिन इसमें एक कैच है, वो कैच ये है कि अगर आप ट्रैफिक लाइट बिल्कुल बंद कर देंगे तो, या स्पीड ब्रेकर नहीं बनाएंगे, ये 3 स्पीड ब्रेकर मैंने सजेस्ट किए थे, मेरे किसी भी प्लान को अगर आप आधा अधूरा लागू करेंगे या लागू करने की कोशिश करेंगे तो वो नुकसान होगा उसका। क्योंकि ट्रैफिक, जब से मैं कम से कम आपसे भी मुखातिब 2 महीने बाद हो रहा हूं, तो 2-3 महीने बाद हो रहा हूं, तो 1 महीने से मैं देख रहा हूं कि सुबह हो या शाम हो, जो पीक आवर्स होते हैं, पीक आवर्स में ट्रैफिक चलता रहता है। थोड़ा सा फंसता जरूर है कभी कभी, जब इधर से 3-4 बसेस इकट्ठी आ जाती हैं तो ये ट्रैफिक फंसता है, अदरवाइज ये ट्रैफिक फ्री फ्लो चलता रहता है। तो मेरी एक सजेशन है कि जो येलो लाइट है, पीली वाली जो लाइट है, वो जलाकर सारा दिन यहां पर रखें, जिससे कि जो ट्रैफिक इस तरफ से आ रहा है उसको ये लगे कि या तो रेड होने वाली है या ग्रीन होने वाली है लाइट। येलो लाइट अगर रखेंगे आप, ऑन रखेंगे, तो ट्रैफिक जो है थोड़ा संभल कर इस टी पॉइंट को ज्वाइन करेगा। इधर से भी जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी अगर येलो लाइट यहां जली हुई है सामने, तो वो संभल कर इसको ज्वाइन करेगा अभी बिना संभले, क्योंकि पुराना जो ट्रैफिक चल रहा है, जो पुराने जानकार हैं इस टी पॉइंट से गुजरते हैं, उनको तो पता है कि यहां टी पॉइंट है और लाइट भी है, लेकिन लाइट जल नहीं रही है, इसकी वजह से कहीं वो स्पीड से इस टी पॉइंट को अप्रोच करना शुरू ना कर दे, तो एक एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है अगर हम येलो लाइट नहीं जलाते। हम ट्रैफिक सिग्नल लाइट को बिल्कुल बंद कर देंगे तो भी नुकसान है। हम यहां पर येलो लाइट लगाएं या हम यहां पर 3 स्पीड ब्रेकर बनाएं ताकि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो चलता रहे। एक बात और मैं इसी के आगे कहना चाहूंगा कि थ्रू आउट द डे ये जो ट्रैफिक मूवमेंट है C2 से लेकर दाबड़ी मोड़ तक, पंखा रोड तक, ये जो ट्रैफिक मूवमेंट है ये हमारा 97% बोल रहा हूं, 97% मूवमेंट है, 3% सिर्फ केंद्रीय विद्यालय मार्ग पर है मूवमेंट जो ट्रैफिक का है। तो ये लाइट क्यों रखी गई है यहां पर? इस लाइट को भी येलो लाइट अगर आप चला के छोड़ दें तो ये ट्रैफिक हमारा चलता रहेगा। और जो ट्रैफिक कर्मी यहां पर खड़े होते हैं ये देखने के लिए कि कोई जंप तो नहीं कर रहा है रेड लाइट को, उनकी ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी और ट्रैफिक भी चलता रहेगा।
मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कंसर्न TI जो है जनकपुरी से, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस पॉइंट्स को समझा जाए, देखा जाए और अगर ठीक लगता है तो लागू किया जाए। ये बात सही है कि ये वाला ट्रैफिक लाइट ऑफ होते ही सारा दिन ट्रैफिक मूवमेंट बिना रुके रोक टोक के चलता रहता है और स्मूथली चलता है, कोई जाम नहीं लगता। मैं काफी दिनों बाद इसलिए आया हूं, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरा जब थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मैंने देखा कि कुछ तो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। मेरा मदन गिर साइड पर जाना हुआ तो मैंने देखा वहां पर एक तो सादिक नगर तो बहुत पहले हो चुका था सिग्नल फ्री, मजनू का टीला भी बहुत पहले सिग्नल फ्री हो चुका था मेरे प्लान के अकॉर्डिंग। उसके बाद मदनगिर रोड के ऊपर भी उन्होंने जो मैंने नया डिजाइन बताया है रेड लाइट को सिग्नल फ्री करने का कि ट्रैफिक यहां से जाए और इधर से मुड़ जाए या इधर से आए तो इधर मुड़ जाए, तो काफी जगह पर उन लोगों ने जर्सी बैरियर लगाकर इसको सिग्नल फ्री किया है और मैं समझता हूँ कि ये एक इट इज़ ए गुड स्टेप टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल एक नया प्लान लेकर फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।